हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत होगे। मैं भी अब बहुत बहुत अच्छी हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी यम्मी और कितनी अच्छी ये खिचड़ी बनके रेडी है। तो अभी हम लोग चलते हैं बनाने के तरफ। उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के आसपास साबूदाना ली। इसे मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगा के रखी थी। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल है। और यहाँ पे पीनट्स को मैंने अच्छे से रोस्ट करके उसको मिक्सर में दरदरा ही पीस के ली। और थोड़ा सा यहाँ पे हरी मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया और कड़ी पत्ता और नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कर सकते। इसमें यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने चढ़ा दी थी। और जैसे ही कढ़ाई गरम हो गई उसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल को ऐड कर दी। साबूदाना में ज़्यादा ऑयल नहीं डालने का, वरना उसकी टेस्ट और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे ही तेल गरम हो गया उसके अंदर मैंने ज़ीरे को और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को मैंने ऐड कर दी। और जैसे वो तीनों भूनने के बाद मैं उसके अंदर साबूदाने को ऐड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही इजी वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। इसे हम लोग व्रत में भी खा सकते और एनी टाइम जब भी मन करेगा आप हम लोग इसे बना के झटपट बना के खा सकते। साबूदाने को ज़्यादा नहीं, 2 घंटा 3 घंटे के आसपास भी भिगा के रखेंगे तब भी चलता है। और अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी, जिससे हमारी खिचड़ी है ना उसे नमक अच्छे से लग जाए। क्योंकि ऊपर से नमक डालने से ना खिचड़ी में कहीं कहीं नमक लगता है, कहीं कहीं नमक नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं कभी भी खिचड़ी बनाती हूँ ना तो मैं ऐसी ही तेल में ही नमक को ऐड करती हूँ। तो देखो जैसे ही अभी वो सब भूनने के बाद मैंने उसके अंदर साबूदाना ऐड करी और साबूदाने को अच्छे से मैं चला के लूँगी। और फिर उसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूँगी, जिससे हमारा साबूदाना अच्छे से बन के रेडी हो जाए। और अभी इसी टाइम पे मैं इसके अंदर पीनट्स को भी ऐड करूँगी और अपना ये हरा धनिया है ना उसे भी मैं ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते, बट मैं आलू यहाँ पे ऐड नहीं करी क्योंकि मेरे घर पे आलू पसंद नहीं है। इसके वजह से मैंने इसमें आलू ऐड नहीं करी, मैंने इसे स्किप करी। आप चाहे तो इसमें आलू भी ऐड ज़रूर कर सकते। और पीनट्स को मैंने पूरा ऐड करी। पीनट्स के बिना साबूदाने की खिचड़ी अधूरी रहती है, इसलिए पीनट्स सबसे पहला ज़रूरी है। आलू डालो या मत डालो बट पीनट्स पहले ही डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बन के तैयार है। आप लोग आगे चल के देख सकते हो। ये देखो स्वादिष्ट खिचड़ी बनके रेडी है। अगर आप लोगों को ये छोटी सी मेरी रेसिपी वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों को ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी कैसे लगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। आप लोग मुझे दुआ में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। बाय।